What's up guys, welcome back to another video of Arihant Kalvi Arts. So आज हम लोग करने वाले हैं एक abstract painting. So मेरे पास ये है, ये acrylic color के ऐसे tubes है, फेविकॉल के जैसे bottles है, acrylic color के liquefied color से है और ये canvas है. So आज हम लोग करने जा रहे हैं एक abstract painting. So let's start. So मैं first में ले रहा हूँ ये orange color. So मैं इस पर कौन से डिजाइन बना दे रहा हूँ. सो मैंने ये ऐसा डिजाइन बनाया, एक सेकेंड ये देखो. सो मैंने इस पर ऐसा डिजाइन बना दे दिया, एक सेकेंड, हाँ ऐसा वाला. सो अभी मैं एक दूसरा डिजाइन बना देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ. और अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑरेंज कलर, रेड कलर, सॉरी रेड कलर भी मैं यूज़ करने वाला हूँ. मैं रेड कलर यूज़ करके थोड़ा बहुत नॉर्मल जैसा मैंने पिछले बनाया था वैसा ही मैंने सेम कलर बना दिया है. और अभी फिर इसके बाद मैं यूज़ करने वाला पिंक कलर, हाँ ब्रिलियंट पर्पल, पिंक की काइंड शेड है. ओह पैर पे ही है. मैंने इस तरह एक डिजाइन बना लिया है, सेम ही बनाया बस थोड़ा बड़ा वाला बनाया और एक सर्कल बनाया बस. सो अभी मैं पर्पल कर लिया, प्रॉपर पर्पल. सो अभी हम लोग लेंगे एक नाइफ जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के लिए होता है. सो ये देखो मैंने इस तरह का कुछ पैटर्न बना ले लिया है. सो अभी नाइफ, मैं अभी नाइफ दिखाता हूँ मेरी कैसी नाइफ है. सो दिखाता हूँ, तो मेरे पास पूरा ऐसे सेट पड़ा हुआ है नाइफ का. सो इसमें से आप ऐसी वाली नाइफ ले सकते हैं, ऐसी बड़ी वाली या फिर ये छोटी वाली, या तीन में से कौन सी भी आप नाइफ ले सकते हैं जो अगर आपको पसंद, जो भी पसंद आती है. सो मैं तो ये या फिर ये यूज़ कर लूँ ऐसा मुझे लग रहा है. सो आप कौन सी यूज़ कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना. और फिर नाइफ से हम लोग को इस तरह से स्क्वायर करना है. ये देखो नाइफ से इस तरह से वो स्प्रेड करते जा रहा हूँ. और अब आपके कैनवस या पेपर के नीचे न्यूज़पेपर रख लेना, क्योंकि आपके टाइल्स वगैरह ख़राब भी हो सकते हैं इससे, ये बहुत ज़्यादा लिक्विफाइड कलर से. सो अभी मैंने इतना कर लिया है. सो मैं अभी फिर से थोड़ा कलर्स डाल रहा हूँ उसके बॉर्डर पे और फिर उसको प्रॉपरली हिलाकर, कैनवस को हिलाकर मैं अभी पेंटिंग बनाऊंगा और फिर नाइफ से उसको बनाऊंगा. सो अभी थोड़ा इसको हिला लेते हैं और थोड़ा बहुत कलर स्प्रेड हो चुका है, देखो इतना थोड़ा बहुत कलर स्प्रेड हो चुका है. तो ये देखो मैं इस तरह से अभी इसको स्प्रेड कर लेता हूँ नाइफ से अपने. सो ये देखो मेरा इस तरह से कुछ मेरा पैटर्न बन रहा है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का. सो मैंने इस तरह से थोड़ा इसमें कर ले लिया है. सो अभी मैं थोड़ा बॉर्डर्स है तो मैं इस पर से ऐसे कलर निकाल ले रहा हूँ, तो इसे एक पैटर्न निकल के आ रहा है मस्त वाला, ये देखो. मैं इसके बॉर्डर पे भी मैं इसके कर दे रहा हूँ.
फिर जो अभी यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा पोर्शन बचे हैं, सो इस पर अभी थोड़ा डॉट डॉट पे मिक्स कलर करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये पर्पल यूज़ कर लिया है, सो मैं अभी पिंक ब्रिलियंट पिंक में भी यूज़ कर ले रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा लाइट भी है और इसकी शेड भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और कैसे होगा आप इस कलर से आप करते हो, अभी हैंड ग्लव्स वगैरह पहन के करिएगा क्योंकि ये देखो मेरे पास पूरा हाथ पे पूरा सा स्प्रेड हो चुका है इस वाले हाथ पे और रिलीज पे भी सब कुछ ऐसा स्प्रेड हो चुका है, तो ये ढूंढने में बहुत टाइम जाने वाला है और बताए मुझे निकलता है या नहीं वो भी नहीं मुझे पता है। सो यहाँ पे मैं थोड़े डॉट्स जैसा डॉट्स जैसा डाल दिए ऑरेंज ऑरेंज और ब्रिलियंट पिंक से ना। हाँ सो अभी हम लोग करना है थोड़ा सा रेड नहीं करेंगे क्योंकि रेड अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। नाइफ पेंटिंग एक हाथ में पकड़ के करना बहुत हार्ड हो रहा है मुझे, बट आपको दिखाना पड़ रहा है तो मुझे करना पड़ रहा है अभी ऐसे। और अगर आपके नाइफ पे सब कलर अगर आया तो टैप करो अपने कैनवास या फिर पेपर पे या फिर बुक पे, या फिर अगर आपके पास कार्डबोर्ड वगैरह हो तो उस पर टैप करो फिर कलर उस पर नीचे निकल जाता है, फिर वो कलर लेके आप कर सकते हो। इरिटेटिंग आवाज़ भी आता है, आपको सुनाई दे रहा है या पता नहीं मुझे, अगर हेडफोन्स लगा रहे हो तो सुनाई देगा आपको। मैं कलर को स्क्रैप कर दे रहा हूँ तो इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है जब मैं कलर को स्क्रैप कर रहा हूँ। ओके अभी कैनवास गिरने वाला मेरा, तो देखो इस तरह का पैटर्न बन के आ गया है। एक सेकेंड थोड़ा अभी यहाँ पे कलर अप्लाई करके ले रहा हूँ और फिर देखो इस तरह के नाइफ से हम उन लोग को स्क्रेप करना है, मतलब वो जहाँ पर लग नहीं रहे वहाँ पर, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लगे वो स्क्रेप आउट भी हो जाएगा और कलर निकल भी जाएगा वहाँ का, और जहाँ पर नहीं लगा वो लग भी जाएगा। और नाइफ यूज़ करना इतना हार्ड भी नहीं होता तो इतना ईजी भी नहीं होता है बिकॉज अगर आप ऐसे वाली नाइफ यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, पर अगर आप ऐसे वाली नाइफ यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही ईजी है क्योंकि ये ब्लंट शेप की और ये थोड़ी थोड़ी बहुत शार्प वाली है इसके एजेस, और अगर आप और अगर आपके यहाँ पर सब उंगली लगे तो आपको कट भी पड़ सकते हैं क्योंकि जब मैं जब भी समर कैंप्स को जाता था मतलब इसको सीखने के लिए तो मेरे हाथ में से कट्स पड़ते थे क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे फिंगर लगा के यूज़ करता था, मुझे पता नहीं था क्या होता है। सो अभी मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और नाइफ पेंटिंग का एक फ़ायदा भी है कि कलर ज़्यादा गिरता नहीं है यहाँ वहाँ पे, अगर हम लोग ब्रश पे करते हैं तो ऐसे लेफ्ट राइट घुमाना पड़ता है, तो अगर पानी ज़्यादा ऐड हो तो यहाँ वहाँ उड़ता रहता है वो ड्रॉपलेट्स उसके, तो इसका ये भी फ़ायदा है। तो बायोस्टिक मेरे ज़्यादा मुँह पर कलर उड़ने वाला था इसलिए थोड़ा घबरा गया हमें, और इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि अपने हाथ को यार बहुत ज़्यादा डर भी होता है कभी इसे पकड़ के रखने में ऐसे, तो और कलर भी हाथ को बहुत ज़्यादा लगता है, देखो पूरा हाथ को कलर लग चुका है मेरे। सो यहाँ पर भी मैं इस तरीके से कट्स भी इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर ले रहा हूँ पहले और फिर यहाँ से इसको निकाल ले रहा हूँ कलर को, देखो इस तरह का फिर ऐसे पैटर्न निकल के आ रही है यहाँ पे। मैंने लाइट्स इसलिए मारे थे कि मतलब कहाँ से कहाँ तक हमें स्क्रेप आउट करने वाला हमें पता चलेगा, सो मैंने ये भी निकाल ले रहा हूँ मैं। ये देखो ये मतलब अभी
अभी आप कैमरा में देख रहे हो तो थोड़ा मतलब ऐसा ठीक से नहीं दिख रहा होगा, पर अगर आप रियल लाइफ में देख रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इस तरह का कुछ लग रहा है। सो अभी थोड़ा सा ऐसा कुछ लग रहा है, तो अभी हमें ना यहाँ पे थोड़ा रेड ज़्यादा हो गया ना इस पर। सो अभी हम कुछ ऐसा करते हैं, ये ऑरेंज जो है ना, ऑरेंज थोड़ा बढ़ा देते इसमें। सो ना ऑरेंज भी इससे बहुत सारा डाल दिया है क्योंकि ये बढ़ना चाहिए ऑरेंज। और इसके ढक्कन लगाना बिल्कुल मत भूला करना, थोड़ा सा भी इसे गिर वगैरह गया ना पूरा कलर बाहर जाता है। ये देखो मतलब इसे ढक्कन में सब पूरा लग चुका है मुझे। इसको से स्प्रेड कर लेंगे। देखो इस तरह से इसको अभी स्प्रेड कर ले रहे हो पूरे कैनवस पे। अगर आप कैनवस पैड पे कर रहे हो तो अगर कैनवस पैड से थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है और उसका हार्ड नहीं होता है, तो वैसा हार्ड नहीं होता, वो तो पेपर काइंड ऑफ होता है। सो उसके नीचे आप कार्डबोर्ड वगैरह या फिर सब वुडन फ्रेम उसके नीचे आप सेलोटेप या फिर मतलब सेलोटेप लगा के भी आप स्टिक कर सकते हो कार्डबोर्ड पे, या फिर स्टेपलर से आप स्टिक कर सकते हो नीचे से। सो आपको थोड़ा हार्ड नहीं जाएगा क्योंकि कैनवस पैड पर कैसे नीचे पूरा नीचे अगर पीछे वाला कैनवस भी अगर ख़राब हो जाए तो आपको दो कैनवस के एक टाइम पे खराब हो जाएगा। सो वैसा करना पड़ता है हमें, बिकॉज अगर आप जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट अगर देखोगे तो कैनवस क्लॉथ लेते हैं सबसे पहले और उसको एक वुडन फ्रेम के आजू बाजू में स्टेपलर से स्टिक करते जाते हैं। सो वो कैनवस से टाइट हो जाता है और उसमें पेंटिंग बराबर कर सकते हैं। सो अभी मैंने थोड़ा बहुत मर्ज कर दे दिया है ये ऑरेंज इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा डार्क दिख रहा है, कैमरा में थोड़ा लाइट दिखता है ये, इसे थोड़ा कैमरा में थोड़ा अच्छा दिख रहा है। सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ पिंक फिर से। गाइस बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी। सो बड़ा आप उस पर ध्यान मत दो, मेरा तो पेंटिंग चैनल है सो आप इस पर ध्यान दो। थोड़ा सा डार्क ये जो एंड एज ना यहाँ पे मैं उसकी प्रेशर दे के कर रहा हूँ इस पर, सो दैट कि वो जो कलर जहाँ पे जरा कम लग रहा है वो लगे ही ना यहाँ पे, मतलब ऐसे थोड़े से एजेस थोड़ा शार्प कट हो जाए वो थोड़ा कलर थोड़ा ऊपर का। ये देखो तो अभी हमारा पेंटिंग इस तरह का कुछ बन चुका है। सो अभी मेरे पे नाइफ पे थोड़ा अभी तक कलर है, सो मैं इसको कॉर्नर पे ऐसा कर देता हूँ, निकाल लेता हूँ कॉर्नर पे कलर और इसको ऊपर लेके जाता हूँ। और जहाँ पे जो पिंक कलर है ना वहाँ पे ये जो मेरा कलर है उसको ऐसे डैप करता हूँ, कलर नीचे निकल जाता है और फिर उसको इस तरह से स्प्रेड कर दूँगा। अब इस तरह का कुछ बन चुका है। सो अभी हम लोग बीच का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो चुका है, देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो। सो अभी बीच में हम थोड़ा सा वॉयलेट डाल देते हैं, पर्पल या फिर वॉयलेट जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। ये देखो इस तरह पे मैंने थोड़ा डॉट्स डाल दिए। सो अभी मैं इसको इस तरह से थोड़ा स्प्रे करता हूँ इसे, बस अपनी नाइफ को ऐसे ऐसे करते जाइए ऐसे ऐसे और फिर आगे आगे बढ़ते जाइए। अभी लेफ्ट में थोड़ा ऐसे तो देखो ये कुछ ऐसा बन रखा है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो आज के लिए मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।